हमारा आज का वर्ड ऑफ द डे रिलेटेड है टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से। तो चलिए अब जानते हैं हमारा आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है। एलोसिव। एलोसिव को हम हिंदी में हाथ ना आने वाला कहते हैं। इंग्लिश में हम इस वर्ड को एडजेक्टिव तो वहीं हिंदी में विशेषण की तरह यूज कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इंग्लिश में एलोसिव का मीनिंग क्या है। डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव। इंग्लिश मीनिंग जानने के बाद हम जानेंगे एलोसिव के कुछ सिनोनिम्स या फिर इससे ही मिलते जुलते कुछ और वर्ड। इवेसिव, शिफ्टी, स्लिपरी, ट्रिकी। सिनोनिम्स जानने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एलोसिव के कुछ एंटोनिम्स या फिर इसके विपरीत शब्द। अट्रैक्टिंग, कन्फ्रंटिंग, डेफिनेट, इनकाउंटरिंग। और सबसे लास्ट में हम जानेंगे न्यूज़ के इस दिए गए सेंटेंस में हमारे आज के वर्ड ऑफ द डे एलोसिव का यूज़ किस तरह से किया गया है। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा हैज कैप्ट इंडियाज होप्स ऑफ एन एलोसिव ओलंपिक मेडल फ्रॉम ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स अलाइव। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं से भारत के हाथ न आने वाले ओलंपिक पदक की उम्मीदों को जिंदा रखा है। सो फ्रेंड्स, हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिए आज आप क्या सेंटेंस बनाएंगे एलोसिव से। और इसी के साथ यूट्यूब पर हमारे हिनखोज डिक्शनरी चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।